सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। नाउ अब बात करता हूँ डीएनए डीनेचुरेशन के बारे में। डीएनए डीनेचुरेशन की अगर डीनेचर करते हो डीएनए से तो उसका एब्जॉर्बेंस बढ़ जाता है। एब्जॉर्बेंस बढ़ जाता है और एब्जॉर्बेंस से ही आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उसकी प्योरिटी क्या है। सिर्फ डीएनए है, डीएनए आरएनए है या डीएनए प्लस प्रोटीन है। मैंने अगर आपको याद हो तो कल के क्लास में मैंने बताया था कि अमीनो एसिड का एब्जॉर्बेंस जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है 280 नैनोमीटर पे। किस पे किया जाता है? 280 नैनोमीटर पे किया जाता है। 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस जो होता है वो लिया जाता है। और न्यूक्लिक एसिड का लिया जाता है 260 नैनोमीटर पे। एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूलर वेट 650 डाल्टन होता है एंड 650 डाल्टन जो होता है एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है। नाउ अब देखिएगा कि एब्जॉर्बेंस 260 और 280 का जो रेशियो होता है अगर वो 1.8 होगा तो ये बताता है कि वो डीएनए होगा। अगर 1.8 से ज्यादा होगा तो ये बताएगा डीएनए और आरएनए दोनों होंगे। और कम होता है तो ये बताएगा कि डीएनए और प्रोटीन होगा। क्यों? क्योंकि 280 बढ़ेगा अगर प्रोटीन ज्यादा होगा और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो अपने आप घटेगा। ये सिंपल सा रेशियो कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपल सा रेशियो कॉन्सेप्ट है क्योंकि प्रोटीन के लिए होता है, ये प्रोटीन होगा तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो रेशियो जो होगा वो घटेगा। इसको कई बार कई जगह पे मैं बता चुका हूं जो लोग पहले से पढ़ रहे थे। नाउ इसके बाद बात करता हूं मैं कि अगर आप मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करना हो, मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करना हो तो 4 जो मेल्टिंग टेम्परेचर TM होता है 4G प्लस C प्लस 2A प्लस T होता है। 4G प्लस C प्लस 2A प्लस T के फॉर्म में होता है। एंड यहाँ पे 4 इसलिए होता है क्योंकि गुआनीन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं जबकि एडिनिन और थायमिन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं। तो ये 4 यहाँ पे इसलिए यूज होता है और 2 इसलिए यूज होता है क्योंकि एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे चली जाती है। तो मेल्टिंग टेम्परेचर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिनेचरिंग एजेंट्स जो होते हैं वो जीसी कंटेंट होता है। जीसी कंटेंट जितना ही होगा हाई होगा उतना ही मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, पीएच के अकॉर्डिंग देखिएगा डीएनए जो होता है चाहे कोई भी न्यूक्लिक एसिड होता है जनरली कैसा होता है? निगेटिव चार्ज हो रहा है। आप सीधे दिख रहे हो कि उसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज होते हैं। फॉस्फेट बैकबोन से आपने कैलकुलेट किया था जो फॉर्मूला था अभी N+1 निगेटिव से कैलकुलेट किया था। तो जब निगेटिव होता है तो पीएच जब बढ़ाओगे तो H+ और घटेगा। पीएच जब बढ़ाओगे तो S+ और घटेगा और घट रहा है तो डी प्रोटोनेशन होगा तो निगेटिव चार्ज आएगा और निगेटिव चार्ज ऑलरेडी है और निगेटिव चार्ज लेके आओगे तो रिपल्सन ज्यादा बढ़ेगा तो मेल्टिंग टेम्परेचर घटना शुरू कर देगा। इसीलिए जब पीएच कम करोगे H+ बढ़ेगा, H+ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो प्रोटोनेशन होगा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वहां पे अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज से और जब अट्रैक्शन होगा तो वो क्या करेंगे, वो टीएम को इंक्रीज कराएंगे, स्टेबिलिटी कराएंगे। आपने विल्सन एंड वॉकर का कभी डीएनए पता है ना कि किसने स्ट्रक्चर दिया है डीएनए का? डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया? विल्सन एंड वॉकर ने। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। उस पेपर का नाम क्या था मैं कहीं पर डिस्कस किया था इस चीज को, अगर किसी को याद हो तो बता सकते हैं। वॉटसन एंड क्रिक ने किस पेपर का नाम क्या था? एग्जैक्टली उस पेपर का नाम था द सॉल्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन की बात करें, या डीएनए सिंथेसिस रिप्लिकेशन में Mg2+ Mn2+ क्यों चाहिए होता है? क्योंकि डीएनए को स्टेबलाइज करना होता है, उसके निगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना होता है। समझ में आ रही बात कि क्यों चाहिए होता है वो पॉजिटिव चार्ज? वो इसी निगेटिव चार्जेस के लिए ही यूज किए जाते हैं। आयनिक स्ट्रेंथ, जैसे कि लो आयनिक स्ट्रेंथ होगा तो टीएम ज्यादा होगा, हाई आयनिक स्ट्रेंथ होगा तो टीएम कम होगा क्योंकि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा चला जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सुपर कॉइलिंग जनरली ये सर्कुलर डीएनए के लिए होता है लेकिन फ्री स्टेट की जब बात करते हैं। क्या लीनियर डीएनए के लिए नहीं होता? लीनियर डीएनए के लिए भी होता है लेकिन रिप्लीकेशन में। लीनियर डीएनए के लिए कहां पे होता है? फॉर लीनियर डीएनए ओनली इन रिप्लीकेशन।
ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, ठीक है, सीएसआईआर में भी इस चीज को उठा के पूछा गया था। फॉर लीनियर डीएनए रिप्लिकेशन में ही होता है, एज इट इज लीनियर डीएनए में कोई सुपर कॉइलिंग नहीं होती। सुपर कॉइलिंग सर्कुलर रिलैक्स हो सकता है, सुपर कॉइल्ड हो सकता है। लीनियर डीएनए जनरली रिलैक्स्ड होते हैं, सुपर कॉइल्ड होगा तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग भी हो सकती है, निगेटिव सुपर कॉइलिंग भी हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब होता है ओवर वाइंडिंग, किसी चीज को और मोड़ना, उसको और मोड़ते चले जाओ। दो धागा ले लो और आप उसको मोड़ मोड़ के देखोगे, ओवर वाइंड करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो जब ओवर वाइंड करोगे दैट इज एग्जैक्टली कि ओवर वाइंड कर रहे हैं, हेलिकल टर्न बढ़ रहा है, हेलिकल टर्न जो है वो बढ़ेगा, तो बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, ये देखिए कि हेलिकल टर्न जब बढ़ेगा तो बेस पेयर पर हेलिकल टर्न डिक्रीज होगा, क्योंकि हेलिकल टर्न यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, सीधे सीधे आप रिलेट कर सकते हो, राइट हैंडेड होगा। निगेटिव सुपर कॉइलिंग अनवाइंडिंग होता है, किसी चीज को ओपन करना, उन्हीं दो धागों को ओपन करिए, हेलिकल टर्न डिक्रीज हो रहा है, यानी बेस पेयर पर हेलिकल टर्न बढ़ता चला जाएगा, राइट और लेफ्ट हैंडेड दोनों हो सकते हैं। नंबर ऑफ हेलिकल टर्न इज इक्वल टू द लिंकिंग नंबर, जितना हेलिकल टर्न का नंबर होता है उसी को लिंकिंग नंबर बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, लिंकिंग नंबर। कैलकुलेट किया जाता है जैसे कि नंबर ऑफ बेस डिवाइडेड बाय बेस इन वन हेलिकल टर्न, ये वैल्यू जनरली क्या होती है, 10.4 होती है बीडीएनए के लिए, वैल्यू जो होती है जनरली 10.4 होती है बीडीएनए के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं, जस्ट सपोज कि अगर एक बे एक जो 208 बेस पेयर का एक डीएनए है, 200 बेस पेयर का एक डीएनए है, इसका कितना लिंकिंग नंबर होगा, व्हाट इज द लिंकिंग नंबर। डीएनए देना भी जरूरी होता है, अगर कुछ ना दिया हो तो क्या एज्यूम करेंगे, अगर कुछ ना दिया हो तो क्या एज्यूम करेंगे, दैट इज द बी डीएनए, मोस्ट कॉमन डीएनए, अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो बी डीएनए लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, बी डीएनए लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 208 डिवाइडेड बाई 10.4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 20, ठीक है, दैट इज द 20 इज द लिंकिंग नंबर, ठीक है। सो ये लिंकिंग नंबर हो गया, लिंकिंग नंबर ये हो गया। अगर मैं कहूं कि कुछ ओवर वाइंडिंग की वजह से लिंकिंग नंबर जो फाइनल हो गया वो हो गया 22, फाइनल लिंकिंग नंबर है 22, तो चेंज इन द लिंकिंग नंबर कितना है, चेंज इन लिंकिंग नंबर क्या होगा, 22 माइनस 20 दैट इज द 2, प्लस 2 है माइनस 2 है, दैट इज द प्लस 2, प्लस 2 है यहां पे, ठीक है, प्लस 2 का सीधा सा मतलब है इट इज व्हाट, इट इज द पॉजिटिव सुपर कॉइल डीएनए, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है यहाँ पे, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है। होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है। नाउ जब ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है, सो अब इसको रिलेट करके जरा समझिए, ये मैं सिंपल इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे कि दैट इज चेंज इन द लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू लिंकिंग नंबर फाइनल माइनस लिंकिंग नंबर इनिशियल। लिख सकते हैं इस चीज को, चेंज इन द लिंकिंग नंबर का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि इनिशियल था बाद में क्या हुआ वही चेंज इन द लिंकिंग नंबर है, ठीक है। सो अब देखिएगा कि इसी कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूं, लिंकिंग नंबर फाइनल माइनस इनिशियल, ये जो पार्ट आ रहा है, ये जो लिंकिंग नंबर फाइनल, ये इक्वेशन इसी से सिमिलर नहीं लग रहा, जरा सा इसको चेंज करिएगा, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं, कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूं, दिस इज व्हाट, टी इज इक्वल टू एल के माइनस डब्ल्यू, एल के माइनस डब्ल्यू, ये इक्वेशन देखिए और ये इक्वेशन देखिए, इसको जरा सा रिलेट करिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं आप लोगों के फैसिलिटी के लिए, जरा सा देखिएगा, दैट इज व्हाट एल चेंज इन द लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू एल के माइनस एल के जीरो एंड टी इज इक्वल टू एल के माइनस डब्ल्यू, तो ये जो चेंज इन लिंकिंग नंबर है वो इक्वल टू होता है टी के और एल के जीरो इनिशियल होता है डब्ल्यू के। तो जो आप ट्विस्ट पढ़ते हो, ट्विस्ट नंबर वो एक्जेक्टली है क्या, वो चेंज इन द लिंकिंग नंबर होता है, और जो डब्ल्यू विथ विथ पढ़ते रहते हो, विथ नंबर वो एक्जेक्टली क्या है, वो इनिशियल लिंकिंग नंबर है, दैट इज और कुछ है ही नहीं, वही है फॉर्मूला एल के इज इक्वल टू टी प्लस डब्ल्यू का, टी इज द ट्विस्ट हेलिकल टर्न जिसको बोलते हैं, एंड डब्ल्यू इज द विथ नंबर सुपर कॉइलिंग, इसी को क्या बोला जाता है, ठीक है। नाउ ओके फाइन, इसको उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, डब्ल्यू के फॉर्म में लाना है, नॉट टी के फॉर्म में, दैट इज व्हाट डब्ल्यू इज इक्वल टू एल के माइनस टी। नाउ दिस इज व्हाट, ये हो जाएगा चेंज इन डब्ल्यू और ये हो जाएगा टी के बराबर, दिस इज फाइन, ठीक है, इस चीज को करेक्ट करना था, यहाँ पे मैं इनकरेक्ट हो रहा था। सो ये जो पार्ट आ जाएगा दैट इज व्हाट, जब इसको करेक्ट करेंगे अपोजिट होगा, डब्ल्यू जो होगा वो चेंज इन लिंकिंग नंबर होगा, दैट इज विथ नंबर
नंबर ही चेंज इन लिंकिंग नंबर होता है, नथिंग जस्ट द चेंज इन लिंकिंग नंबर, एंड टी होता है जस्ट द हेलिकल नंबर या एल के जीरो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एल के जीरो बोल सकते हो। तो आराम से इस चीज को आप रिलेट करके अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पे क्या करना है आपको अंडरस्टैंड करना है। नाउ अब देखने की कोशिश करिएगा कि सुपर हेलिकल डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सुपर हेलिकल डेंसिटी। सुपर हेलिकल डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है, दैट इज द चेंज इन लिंकिंग नंबर डिवाइडेड बाय द इनिशियल लिंकिंग नंबर, इसकी जो वैल्यू होती है 0.06% से एंड 0.07%। ओके, सो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो लिंकिंग नंबर या सुपर कॉइलिंग के बारे में। सीएसआई नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। Being an All India Rank Holder, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके CSI NET preparation को आसान। Download the Unacademy Learning App and use the code Viren अपनी Plus subscription पर 10% off पाने के लिए।